अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मेरे हाथ लग गई है इस मीरा। सो यार ये रही गाड़ी का इंटीरियर, एक्सटीरियर मैंने आपको सिनेमेटिक्स में दिखा दिया है। तो यार इसका स्पीडोमीटर बड़ा अजीब है, ओनली डिजिटल है, कोई वो नहीं है एनालॉग में। सो ऐसा रहा, सो एयरबैग्स यहाँ पे भी हैं और एक पैसेंजर साइड पे, और आर्मरेस्ट यार देना चाहिए था बट इनकी मर्जी, ऑटो ट्रांसमिशन है। इको आइडल का भी इसमें ऑप्शन मौजूद है और ये लाइट्स का भी ऑप्शन मौजूद है। ये बाहर से जो गाड़ी है, ये बाहर से बहुत ही छोटी लगती है मुझे, मगर यार जब मैंने इसको अंदर से देखा है तो मुझे यार, ये आप देख सकते हो इसमें इसका जो लेग स्पेस है बहुत ही कमाल है। सो ये रहा गाड़ी का इंटरनल स्पेस। सो यार ये रही गाड़ी का सारा इंटीरियर वगैरह, आर्म रेस्ट दे देते तो अच्छा होता। बाकी मेरे हिसाब से गाड़ी में एक बजट के लिहाज से गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ की कल्टस आल्टो वगैरह। और ये इनके जो मिरर कंट्रोल है ये बड़े प्यारे हैं, स्पीकर्स फ्रंट टू में हैं, बस बैक की जगह दी हुई है पीछे। तो अब इसकी एवरेज की बारी है। एवरेज ये इन सिटी देती है 19-20 और लॉन्ग रूट पे 25 तक, अगर आपका पैर मेंटेन रहता है तो 25 तक शायद आपको दे दे। और इसके अंदर सबसे जो बेहतरीन बात है, एक तो छोटी गाड़ी है और इसकी जो सस्पेंशन है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, बट ये स्टिल जैपनीज कार्स की तरह बहुत ही, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत नीचे है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है। आप ये ट्रांसमिशन देखे होंगे, ये भी तो इसमें कोई क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद नहीं है, एक नॉर्मल एसी वेंट्स है। बहरहाल बहुत स्पेशियस गाड़ी है, आप पे डिपेंड है बहुत। मुझे यहाँ की आल्टो और कल्टस में यही बड़ा इशू है कि इनकी स्पेस बहुत कम होती है। जाते हैं यार इस गाड़ी की प्राइस पे। इस गाड़ी की प्राइस आपको मिल जाएगी इन यूज 13-14 राउंड अबाउट। जो अब इसका न्यू मॉडल आया है वो तकरीबन आपको 19-20 जैसे डॉलर का हाल है, तो तकरीबन इतने में ही मिलेगी। तो यार जहाँ तक 660 सीसी का ताल्लुक है, मुझे तो बड़ी कमाल लगी है इस मीरा। तो आप पे डिपेंड है कि आप यार कौन सी चॉइस करते हो। मुझे 660 सीसी कैटेगरीज में ये मुझे बहुत ही अच्छी गाड़ी लगी है। बाकी में यार किसी में एसी का इशू आता है, एसी का शायद इसमें भी इशू हो, क्योंकि मैंने इसको इतना ड्राइव नहीं किया, मुझे इतना, मैंने क्योंकि सर्दियों में से ड्राइव करता रहा हूँ, मुझे इसका इतना अंदाज़ा नहीं है कि इसका एसी कैसा है। कि बाकी इसकी गेयर्स की बात की जाए तो मुझे इसमें कोई लैग महसूस नहीं होता, जैसे हमारी न्यू माशाल्लाह से आल्टो हो गई और कल्टस हो गई, क्योंकि वो कल्टस और आल्टो AGS वर्जन में है तो उसका एक लैग बनता है, मगर इस तरह का लैग नहीं, वो अक्सर औकात उनकी गियर वगैरह में इश्यूज आ जाते हैं। सो मेरे हिसाब से आपने अगर 660 सीसी की कैटेगरीज में गाड़ी चूज़ करनी है तो एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। और ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर कॉमेंट लाजमी कर दीजिएगा। उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़। साडा ब्लॉग तो हो गया कम्प्लीट, बस फिर निकलते हैं अपने घर वाली साइड पे। अल्लाह भाई।